दोस्तों, हमारे देश में कई ऐसे बड़े यूट्यूबर्स हैं जो अपनी वीडियो से व्यूअर्स को एंटरटेन करते हैं, लेकिन हमारे ही देश के कुछ यूट्यूबर्स ने कुछ ऐसे कारनामे किए हैं जिसकी वजह से उन्हें जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा। आज की इस वीडियो में हम इंडिया के 5 ऐसे यूट्यूबर्स के बारे में बात करेंगे जिन्हें अपनी करतूतों की बिना पर जेल तक जाना पड़ा। गौरव जोन। दिल्ली के रहने वाले गौरव शर्मा नाम के इस यूट्यूबर के सब्सक्राइबर 4.1 मिलियन है, लेकिन वो अक्सर कंट्रोवर्सीज से घिरे रहते हैं जिससे उन्हें काफी ज्यादा सेट मिलते रहते हैं। अभी हाल ही में 21 मई 2021 को गौरव ने डॉलर नाम के एक पेट डॉग को गुब्बारों के साथ बांधकर हवा में उड़ाने का वीडियो अपलोड कर दिया और इस वीडियो को अपने इंस्टाग्राम पर भी अपलोड कर दिया, जहां उनके 6 लाख फॉलोअर्स हैं। उसके बाद यूट्यूब और इंस्टाग्राम दोनों में उन्हें काफी आलोचना का सामना करना पड़ा, जिसे देखकर गौरव ने वीडियो डिलीट करके लोगों से माफी भी मांगी, लेकिन उनकी ये माफी काम नहीं आई और एनिमल राइट एक्टिविस्ट ने उनके खिलाफ FIR दर्ज करा दी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। पारस ऑफिशियल। पारस ऑफिशियल, जो कि पंजाब का मशहूर यूट्यूबर पारस सिंह का चैनल है, इसे 26 मई 2021 को पंजाब की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके चैनल पर 4,71,000 सब्सक्राइबर हैं। वजह यह है कि इस यूट्यूबर ने पबजी अनबैन को लेकर अरुणाचल प्रदेश के एक MLA के ऊपर पहले तो रेसिस्ट कमेंट करते हुए कहा था कि वह विदेशी नागरिक है। ऊपर से ये भी कह दिया कि अरुणाचल प्रदेश इंडिया के मैप में है ही नहीं। इसी बात पर अरुणाचल प्रदेश में उनके खिलाफ FIR हो गई और पंजाब पुलिस ने उन्हें अरेस्ट कर लिया। हालांकि उन्होंने बाद में माफी भी मांग ली थी, पर इसका कोई असर नहीं हुआ। विजय पी नैयर। केरल के रहने वाले विजय नैयर अपने चैनल पर काफी खराब कंटेंट बनाने में मशहूर हैं। वो ज्यादातर महिलाओं के खिलाफ गलत बातें बोलते हुए वीडियो को अपलोड करता था। हाल ही में उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत में नारीवादी अंडरवियर क्यों नहीं पहननी है। इसके बाद महिला अधिकारों के लिए काम करने वाली कुछ कार्यकर्ताओं ने उनके घर पहुंचकर उन्हें जमकर पीटा था। इस घटना के बाद विजय नैयर को गिरफ्तार कर लिया गया। विजय के मुताबिक उसने क्लिनिकल साइकोलॉजी में PhD की है, पर इन्हें अपनी गलत हरकतों की वजह से सोशल मीडिया पर काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। प्रैंकस्टर्स। मुंबई पुलिस ने फरवरी 2021 को 3 ऐसे यूट्यूबर्स को गिरफ्तार कर लिया था जो प्रैंक वीडियोस के नाम पर अश्लील वीडियोस बनाकर यूट्यूब पर अपलोड करते थे। उनके प्रैंक्स फेक तो होते ही थे, पर उसमें काफी ज्यादा अश्लीलता भरी हुई होती थी और वो ये काम पब्लिक प्लेस में किया करते थे। इसी वजह से उनकी वीडियोस में मिलियंस में व्यूज आते थे और उन्होंने इस चैनल से करोड़ों रुपए कमाए हैं। उनकी इन्हीं हरकतों की वजह से मुंबई पुलिस ने उनके खिलाफ केस रजिस्टर करके उन्हें अरेस्ट कर लिया। जितेंद्र, जिन्हें जीतू जान के नाम से जाना जाता है, ये मुंबई के मशहूर यूट्यूबर हैं। यूट्यूब पर उनके 2,85,000 सब्सक्राइबर्स हैं। जीतू जान को हाल ही में मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जीतू पर अपनी ही पत्नी का मर्डर और घरेलू हिंसा समेत कई आरोप लगे हैं। इसकी असल वजह यह है कि कुछ दिन पहले उनकी पत्नी कोमल अग्रवाल पंखे से लटकी हुई पाई गई। जीतू के ससुराल वालों का उन पर आरोप है कि जीतू रोजाना कोमल के साथ मारपीट करता था। कोमल की मां और बहन के आरोपों के बाद जीतू पर हत्या, हत्या के लिए उकसाने और मारपीट की कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जीतू को गिरफ्तार कर लिया गया। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप हमें कमेंट करके बताइए कि इनमें से आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन सा है। वीडियो लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास में मौजूद बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दें। थैंक यू।